सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका GVTjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में निकली हुई भर्ती के बारे में। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने हाल ही में ही DGM बैंक ऑफिस ऑपरेटर्स और चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर इत्यादि के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। सभी नौकरी चाहने वालों को इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया गया है। पात्रता विवरण और आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। दोस्तों, यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो एडवर्टाइजमेंट लिंक में दी गई है, वो आप चेक कर सकते हो। आपकी एज मिनिमम 55 ईयर्स तक होनी जरूरी है और मैक्सिमम 53 ईयर्स तक उम्मीदवार पोस्ट 7, 9 और पोस्ट 10, 11 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक पोस्ट के अनुसार उम्मीदवार की एज रिलैक्सेशन डिपेंड करेगी, वो आप देख सकते हो। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फी भरना अनिवार्य नहीं है, यानी कि ही एप्लीकेशन फी फ्री है। सिलेक्शन प्रोसीजर इंटरव्यू के द्वारा होगी और उसके बाद उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पे स्केल यहाँ बताई गई है, एज पर रूल यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार उम्मीदवार को ग्रेड पे और पे स्केल मिलेगा। और यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in पर उस पर भी जाकर जानकारी पा सकते हो और ये जो PDF है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। पर PDF की ओर जाने के पहले हम देखेंगे लास्ट डेट क्या है। इस पोस्ट को अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2017, यानी आपके पास बहुत टाइम है। और ये जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, यानी भारत के किसी भी कोने में उम्मीदवार की पोस्टिंग हो सकती है। तो जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, जान लें कि यदि आप इस पोस्ट को अप्लाई करते हो और सिलेक्ट हो जाते हो तो आपकी जो पोस्टिंग होगी भारत के किसी भी कोने में हो सकती है। तो जाते हैं PDF में क्या लिखा है देखेंगे। तो जैसे आप डाउनलोड ईयर पे क्लिक करोगे PDF ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जो जानकारी यहाँ पर हमने शॉर्ट में बताई है, जिसके कारण आपको एक आइडिया आ जाए जॉब की, वो बड़ी विस्तार में मिलेगी और उसे आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे नेम ऑफ ग्रेड सेक्शन सब जानकारी आपको आपको विस्तार में दी गई है और इंडिया पोस्ट में जो भर्ती है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ IPD विल बी इन दिल्ली, रिलैक्सेशन एजुट कैन बी कंसिडर ऑन द केस ऑफ केस बेसिस। तो इस प्रकार ये भर्ती होने वाली है। जो पोस्ट का नाम है, लोकेशन कॉरपोरेट ऑफिस में होने वाली है। नियुक्ति उम्मीदवार की, ऑपरेटर के लिए जो उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, क्रिएट प्रोसेस एंड ओवरसीज ऑपरेशन प्री अटेंडिंग टू पोटेंशियल कंज्यूमर थर्ड पार्टी वेंडर्स एक्सेट्रा। तो पोस्ट DGM बैक ऑफिस ऑपरेटर की पोस्ट है। रिस्क कंपेलेंस है, ओवरसीज रिपोर्टिंग पोस्टिंग, न्यूली एनहेंस पॉलिसी लॉ सब होने वाला है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, DGM अकाउंट्स के लिए भी पोस्ट है। तो बहुत सी वैकेंसीज है और ज़्यादा पैमाने पे मैनेजर के लिए वैकेंसी है। तो जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द अप्लाई करें। ऑपरेटर DGM ऑफिस ऑपरेटर के लिए जो उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें एजिट रहते हैं EGM और DGM इन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड ऑनली अप्लाई। एक्सपीरियंस प्रोफाइल, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन बैक ऑफिस ऑपरेशन ऑफ अ बैंक इज रिक्वायर्ड। यानी जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं, कृपया आप जान ले कि सभी उम्मीदवारों के लिए है पर उन्हें एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जो उम्मीदवार फ्रेशर्स है वे इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी पोस्ट है और रिस्पेक्टेड पोस्ट है। तो जो भी उम्मीदवार इसको अप्लाई करना चाहता है उन्हें एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फाइनेंस में AGM फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग में जो उम्मीदवार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एज है 53 ईयर्स मैक्सिमम और उन्हें प्रीवियसली AGM या CM होना जरूरी है और रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो भी उम्मीदवार यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, ये जान ले कि आपको स्पेसिफिक ईयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। पर्क्स और अलाउंस के बारे में ये जो जानकारी वो आप पढ़ सकते हो। रेगुलर ऑब्जर्वेशन है और कहाँ कहाँ भर्ती होने वाली है तो स्टेट्स का नाम हम पढ़ रहे हैं आपके लिए। अम्बाला, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, रांची, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम। तो ऐसा देखा जाए तो भारत के सभी कोने में उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। तो यह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी ब्रांच की उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं या फलाना स्टेट्स की उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने से उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है और फॉर्मेट ऑफ CV जो उम्मीदवार को आपको सेंड करना है लोकेशंस पे, तो ये CV है आपको इस प्रकार भेजना है। नेम ऑफ एप्लीकेशन, आपका नाम,
नेम ऑफ बैंक जिसमें आप पहले से काम कर रहे हो, क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए उम्मीदवार के लिए है, तो जो भी उम्मीदवार पहले से एक्सपीरियंस है वही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन प्रेफरेंस देने हैं। रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेजिग्नेशन एंड करंट स्केल, करंट डिपार्टमेंट पोस्टिंग एज अ क्लर्क, एज अ ऑफिसर मेंशन स्केल, जो भी हो का पेमेंट होगा, जो जानकारी आपको बताई गई है वो आपको यहाँ पर लिखकर आपको जो एड्रेस है इस एड्रेस पे भेजना है। CHRO इंडिया पोस्ट पेमेंट लिमिटेड, मलचना मार्ग पोस्ट, चेन्नई, न्यू दिल्ली, तो ये एड्रेस पे आपको आपका CV भेजना है। और भेजने के बाद आपको रिप्लाई आएगा, तो जल्द से जल्द आप इस पोस्ट को भेजें। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जॉब्स की जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि बेल आइकन को प्रेस करते हो तो हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हर रोज आएंगे और आप हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।